देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की दिशा को मोड़ दिया है, जिन्होंने देश को नौजवानी प्रदान कर दी है। 70 साल में देश जो नहीं कर पाया, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने वह करके दिखा दिया है। आज पूरा देश एक हो गया, अखंड भारत हो गया, कश्मीर को भारत से जोड़ दिया। कहा कश्मीर हमारा होकर भी हमारा नहीं था, आज वह करके दिखाया। चाहे राम मंदिर का विवाद हो, बड़े बड़े चाहे विदेशी जो आक्रमण करते हैं, आतंकियों का खात्मा करना हो, आज नरेंद्र भाई मोदी ने वो किया है। सारी दुनिया जिनका लोहा मान रही है, एक व्यक्ति पूरी दुनिया को हिला देता है। मालूम है नरेंद्र भाई मोदी जो कभी सोते नहीं, 2-3 घंटे का मुश्किल से आराम किया तो किया। मालूम है उनसे कहा गया कि आप थोड़ा विश्राम किया करो, थोड़ा सोया करो, उन्होंने कहा कि नहीं, यदि मैं सो गया तो देश सो जाएगा, देश जागृत होना चाहिए। निस्वार्थ प्रधानमंत्री आजादी के बाद इस देश को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना, जिसने कोई स्वार्थ की भावना नहीं, सेवा की भावना, परिवार छोड़ दिया सब कुछ, राष्ट्र ही परिवार हो गया, देश ही परिवार हो गया। ऐसा व्यक्तित्व सदियों में कभी कोई एक पैदा हुआ करता है। बोल जो मुद्दे बरसों से बनाए रखे थे राजनेताओं ने, लगता था कैसे भारत का कल्याण होगा, कैसे भारत का मजबूती अखंडता प्राप्त होगी। मालूम है बरसों से वोट बैंक के मुद्दे बना रखे थे, बरसों से कश्मीर का मुद्दा बना रखा था, बरसों से राम मंदिर का मुद्दा बना रखा था, अपनी राजनीतिक रोटियां से की जा रही थी। भाई नरेंद्र मोदी ने वो किया जो 100 साल 70 साल में नहीं हुआ, रातों रात नक्शा पलट दिया हिंदुस्तान का। मुझे ये लगा देख करके कि शायद ये मुद्दे इतने बड़े थे नहीं, ये बड़े बनाए गए थे। एक व्यक्ति कैसे सब बदल देता है, विचार करिए। पूरे विश्व की जिसने यात्रा की, पूरा विश्व जिसका लोहा मान रहा है, अमेरिका देख रहा है, चाइना को सोचना पड़ता है भारत के बारे में, वह पाकिस्तान घबरा रहा है, तालिबानी संगठनों से मिल रहा है, ये किसका लोहा है, ये किसका भय है? एक भारत के प्रधानमंत्री का भय। ये सब कुछ कर सकते रातों रात। सोचो आतंकियों का कैसा खात्मा किया है जाकर। मालूम है आपको कैसी मजबूती, देश की मजबूती का चिंतन करने वाला, देश के हित का चिंतन करने वाला। धन्य है वह माँ 80-90 साल की उम्र में होने के बाद अपने पुत्र को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया करती है। भाई नरेंद्र मोदी ने परिवार नहीं बसाया, लेकिन धर्म पत्नी उनकी आज भी गर्व करती है, कोई शिकायत नहीं है उनको आपस में, राष्ट्र के लिए समर्पित है, देश के लिए समर्पित है। ऐसा राष्ट्र नेता तो मैं नरेंद्र मोदी को नहीं कह सकता हूं, लेकिन कह सकता हूं कि एक राष्ट्र की भक्ति करने वाला, यदि नरेंद्र मोदी को राष्ट्र संत भी कह दिया जाए तो कोई आश्चर्य की बात। रात दिन एक ही चिंतन। आज मैं अपना संदेश उनको भेजना चाहता हूँ, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ उनको, और उसका माध्यम बने आज उनके अनुज भ्राता पंकज जी मोदी यहाँ पर पधारे हुए हैं। और मालूम है एक राष्ट्र सेवा करता है, एक मातृभूमि की सेवा कर रहा है, तो दूसरा भाई अपनी जननी की सेवा कर रहा है, अपनी माता की सेवा कर रहा है। साधारण से जीवन जी रहे हैं, ध्यान रखिए।